ये दुनिया का सबसे सनकी तानाशाह है। इसे अपने देश की तानाशाही विरासत में मिली है। पिता किम जोंग इल की मौत के बाद 13 अप्रैल 2012 को इसने गद्दी संभाली और आते ही अपने इरादे जता दिए। एक के बाद एक इसकी क्रूरता की कहानियां सामने आने लगी। जो इसे हल्का सा भी पसंद नहीं आता उसे ये ऐसी भयानक मौत देता है जिसे सोच कर भी दिल दहल उठे। भूखे कुत्तों के आगे फिकवा कर देता है मौत, गोलियों से छल्ली करके देता है मौत। किम अपने मुल्क के हर शख्स की जिंदगी की चाबी अपने हाथों में रखता है और जिसे भी जब चाहे जहां चाहे मौत दे देता है। उत्तर कोरिया का ये सनकी तानाशाह किसी पर भरोसा नहीं करता। अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए ये खुद ही अपने लोगों की जासूसी कराता है और जरा सा शक होने पर उन्हें मौत के घाट उतार देता है। और उसने ऐसा ही किया था अपने फूफा और बुआ के साथ। किम ने करवाई थी फूफा बुआ की हत्या। उसने अपने फूफा को दी थी दुनिया की सबसे खौफनाक मौत। उसने अपने फूफा जेंग सोंग थाएक को 120 शिकारी कुत्तों के आगे फिकवा दिया था और 3 दिन से भूखे कुत्तों ने थाएक को नोच नोच कर मार डाला था। 2011 में किम जोंग के पिता की मौत के बाद अनौपचारिक तौर पर सत्ता की चाबी थाएक के पास ही थी। थाएक ने धीरे धीरे अपने जिस भतीजे को सियासत के गुर सिखाए उसी ने उन्हें मौत दे दी। दरअसल किम जोंग को शक हो गया कि उसके फूफा का बढ़ता वर्चस्व उसके लिए खतरा बन सकता है, लिहाजा 2012 में उसने थाएक को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मौत की सजा दे दी। ये सनकी तानाशाह यही नहीं रुका, उसका अगला टारगेट बनी उसकी बुआ क्योंग सुई। क्योंग दशकों तक अपने भाई और किम के पिता की सहयोगी रही थी। पार्टी और सेना के कई पदों पर काम करते हुए 2010 में वो 4-स्टार जनरल बनी। लेकिन पति की मौत के कुछ महीनों बाद ही उनकी मौत की भी खबर सामने आ गई। कहा गया कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, लेकिन बाद में पता चला कि किम ने जहर देकर बुआ की हत्या करवा दी थी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने अपने ही उप प्रधानमंत्री को भी दी थी सजाए मौत, और मौत भी कुछ इस अंदाज में जिसने पूरी दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए। मौत ऐसी जिसने पूरी दुनिया को दहला दिया। किम ने करवाई थी अपने उप प्रधानमंत्री की हत्या। किम जोंग उन के हुक्म पर उत्तर कोरिया के उप प्रधानमंत्री चोई योंग गोन को गोलियों से भून दिया गया। बताया जाता है कि उत्तर कोरिया के उप प्रधानमंत्री चोई योंग गोन को तानाशाह किम जोंग उन की आलोचना की सजा दी गई। किम ने करवाई रक्षा मंत्री की हत्या। सनकी तानाशाह की सनक का ऐसा ही एक मामला अप्रैल 2015 में आया था। तब किम जोंग ने अपने सबसे भरोसेमंद रक्षा मंत्री को सरेआम एंटी एयरक्राफ्ट गन से उड़वा दिया था। वजह थी शक। किम जोंग उनका किसी पर शक हो जाना उत्तर कोरिया में सबसे बड़ा जुर्म माना जाता है और इसी का शिकार बन गए रक्षा मंत्री ह्यून होंग चोल। उत्तर कोरिया के प्योंगयांग की मिलिट्री अकादमी रक्षा मंत्री ह्यून होंग चोल को यहीं लाया गया और तमाम लोगों के बीच चोल के ऊपर एंटी एयरक्राफ्ट गन से गोलियां बरसा दी गईं। चोल के शरीर के परखच्चे उड़ गए। कहा जा रहा है कि ह्यून किम जोंग उनके एक फौजी कार्यक्रम के दौरान सो गए थे। सन की तानाशाह ने उसे नाफरमानी माना और मौत की सजा दे दी। उन्हें 27 अप्रैल 2015 को गिरफ्तार किया गया और बिना कोई मुकदमा चलाए 30 अप्रैल को सरेआम मौत दे दी गई। ये वही ह्यून थे जो किम जोंग उनके काफी करीब माने जाते थे। साल 2014 में ही उन्हें रक्षा मंत्री का ओहदा दिया गया था। ये भी कहा जाता है कि किम ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी कुछ ऐसा ही किया था। जरा सी बात पर नाराज होकर अपनी गर्लफ्रेंड को गोलियों से छलनी करवा दिया था। किम जोंग उन एक ऐसा बेरहम तानाशाह है जो किसी भी हद तक जा सकता है। कहते हैं वो अब तक हजारों लोगों को मौत के घाट उतरवा चुका है, लेकिन खून की उसकी प्यास अभी बुझी नहीं है। ये एक ऐसा तानाशाह है जिसका जुल्म उसके देश के लोग झेलने को मजबूर है और जिसके पागलपन से दुनिया भी परेशान है।
देखिए इन खूनखार मछलियों को, ये हैं आदमखोर मछलियां, ये हैं नरभक्षी मछलियां, इनका नाम है पिराना। इन मछलियों के बारे में कहा जाता है ये इंसानों को भी खा जाती हैं। सोचिए अगर मछलियों से भरे टैंक में अगर किसी शख्स को डाल दिया जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। मछलियों से भरे टैंक में अगर कोई गलती से भी गिर जाए तो ये आदमखोर मछलियां उसे कच्चा चबा जाती हैं, बचेगा तो सिर्फ कंकाल। क्या आप कल्पना भी कर सकते हैं कि वास्तविक जिंदगी में भी कोई सजा देने के लिए यही तरीका अपना सकता है? जाहिर है आप कहेंगे नहीं, लेकिन आप गलत, आप भूल गए हैं कि इस दुनिया में है नॉर्थ कोरिया का शासक किम जोंग उन, जिसके पास गलती करने वालों के लिए माफी की कोई गुंजाइश नहीं है, जो अपने अधिकारियों को कठोर से कठोर सजा देने के लिए जाना जाता है। जी हाँ, इसी किम जोंग उन ने जेम्स बॉन्ड की इस फिल्म से प्रेरित होकर अपने जनरल को दी रूह कपाने वाली सजा। किम ने अपने जनरल की गलती पर उसे इन आदमखोर मछलियों के टैंक में फिकवा दिया। एक मीडिया रिपोर्ट का दावा है कि नॉर्थ कोरियाई शासक किम जोंग उन ने अपने एक जनरल को पिराना मछली से भरी टैंक में फेंक कर मौत की सजा दी। बताया जाता है कि किम के घर के अंदर है इन आदमखोर मछलियों से भरा टैंक, जहां उसने उस जनरल को फेंकवा दिया। किम के इस जनरल पर सत्ता पलट की कोशिशों का आरोप था। किम को यह गलती नागवार गुजरी, फिर क्या था, किम ने दी उसे ये खौफनाक सजा। पिराना मछलियों के दांत काफी तेज होते हैं और मिनटों में वो चीर फाड़ कर सकती हैं। दावा किया गया कि किम के घर के अंदर बने टैंक में ब्राजील से मंगाई गई सैकड़ों आदमखोर पिराना मछलियां जमा थीं, जिसमें जनरल को फेंक दिया गया। हालांकि रिपोर्ट्स में जनरल का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन बताया गया है कि जेम्स बॉन्ड की फिल्म से प्रेरित होकर किम ने अपने जनरल की गलती के लिए यही सजा सुनी। इससे पहले भी कई बार अधिकारियों को मौत की सजा देने की खबर नॉर्थ कोरिया से आती रही है, लेकिन कुछ मौकों पर ऐसी रिपोर्ट गलत भी साबित हुई हैं। जिनके बारे में मृत होने का दावा किया गया वो दोबारा सबके सामने भी आ चुके हैं। यही नहीं, अमेरिका के साथ समझौता नहीं हो पाने के बाद नॉर्थ कोरियाई शासक किम जोंग उन के अपने 16 उच्च अधिकारियों को मौत की सजा देने की खबर भी कुछ वक्त पहले आई थी। लेकिन दुनिया किम को क्रूरता की हद तक जाने वाले तानाशाह के रूप में जानती है। वो गलती करने वाले को क्रूरतम सजा देने के लिए जाना जाता है, और इस बार भी अपने जनरल को उसने सजा देने के लिए चुनी अपनी आदमखोर मछलियां, जो किम के जनरल को कच्चा चबा गईं। दरअसल किम ऐसी सजा देता ही इसलिए है ताकि कोई भी दोबारा ऐसी गलती करने की जरूरत ना कर सके।